नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय छात्र छात्राएं, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे टॉपिक पर अध्ययन विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो स्थानीय स्तर पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने की व्यवस्था है, जिसके निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोग ही भाग लेते हैं, और वह व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। इस शीर्षक के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन क्या है, इसकी कौन-कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और स्थानीय शासन की उत्पत्ति एवं विकास किन-किन अवस्थाओं और कालखंडों से विकसित होकर वर्तमान स्थिति में पहुंची है, आदि पर चर्चा की जाएगी। लोकतंत्र की मूलभूत मान्यता यह है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च शक्ति का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे अधिकाधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में हिस्सा ले सके। इस संबंध में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा यह कार्य अच्छे प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि इन संस्थाओं का प्रबंध नागरिकों को स्वयं करना होता है। इसी कारण इन संस्थाओं को लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है, जो जनता को लोकतंत्र की पाठ पढ़ाती है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन से होता है, जिसका संबंध किसी स्थान विशेष से हो और जिसका प्रबंध उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा ही किया जाए, अर्थात स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थान विशेष के लोगों द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार, स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लोक कल्याण के लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जीडीएच कोल ने कहा है कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य ऐसे शासन से है, जो एक सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है तथा हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसी स्वायत्त शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत किसी स्थानीय विशेष के लोग स्थानीय महत्व के सार्वजनिक मामलों के विषय में कुछ दायित्व रखते हैं और उन दायित्वों के निर्वाह के लिए अपने साधन जुटाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, स्थानीय स्वशासन का निर्माण कानून के आधार पर किया जाता है। इनका गठन और संचालन केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार के कानून के आधार पर किया जाता है। नंबर 2 है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों पर कर लगाने और उसे उसे एकत्र करने का अधिकार होता है। नंबर 3, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को केंद्रीय नियंत्रण से बहुत हद तक मुक्त रहकर काम करने का अधिकार होता है। नंबर 4, स्थानीय स्वशासन स्थानीय विषयों के प्रशासन से ही संबंधित होती है। नंबर 5, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप एक उद्देश्य न होकर सामान्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट नंबर 6 है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का अस्तित्व विश्व के सभी भागों में, इतिहास के सभी कालखंडों में तथा सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में विद्यमान रहा है। वर्तमान समय में इन्हें लोकतंत्र के अनिवार्य उपकरण के रूप में देखा जाता है। विभिन्न राष्ट्रों, इतिहास के विभिन्न कालखंडों तथा विभिन्न शासन पद्धतियों में विद्यमान स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में थोड़ी बहुत
भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन यह तथ्य सब में सामान्य है कि इनके अंतर्गत स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 है, स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय लोग ही बेहतर ढंग से समाधान ढूंढ सकते हैं। इसका एक प्रमुख उद्देश्य शासन में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट नंबर 9 है, वर्तमान समय में स्थानीय स्वायत्त शासन को 5 स्तरीय विश्व का एक अभिन्न अंग कहा जा सकता है। प्रथम स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, द्वितीय स्थान पर राष्ट्रों के क्षेत्रीय संगठन हैं, तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय सरकारें हैं, चौथे स्थान पर प्रांतीय सरकारें हैं और सबसे नीचे स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं। नेक्स्ट नंबर 10, स्थानीय शासन और स्थानीय स्वायत्त शासन में अंतर है। स्थानीय शासन के अंतर्गत प्रखंड, तहसील तथा जिला स्तर के नागरिक प्रशासन को शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ स्थानीय स्वायत्त शासन के अंतर्गत पंचायती राज की संस्थाओं तथा नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 11 है, स्थानीय स्वशासन स्थानीय संस्था द्वारा शासन है। इसका गठन स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। यह राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों के अधीन होता है। यह नागरिकों से संबंधित स्थानीय मामलों का व्यवस्थापन होता है। नेक्स्ट नंबर 12, स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रमुख कार्य में समुदाय की स्वास्थ्य की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शिक्षा, मार्ग तथा यातायात, गृह निर्माण, प्रकाश की व्यवस्था, पारिस्थितिकी संरक्षण, कल्याणकारी कार्य तथा जन सुविधाओं की व्यवस्था। नेक्स्ट नंबर 13, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं की आय के 3 प्रमुख साधन हैं, करारोपण एवं कर संग्रह, केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा ऋण एवं। नेक्स्ट 14 है, इन संस्थाओं द्वारा न्याय और शांति व्यवस्था संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। आगे हम लोग स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता को देखेंगे। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है, जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए। नंबर 2 है, शासन के विकेंद्रीकरण के रूप में एवं नंबर 3 है, स्थानीय विषयों के कुशल प्रबंधन हेतु जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करने के लिए और नौकरशाही की बुराइयों को सीमित करने हेतु और अंतिम है, राजनीतिक शिक्षण के लिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होती है। आगे हम देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत जो शीर्षक है, इसमें भारत में स्थानीय शासन की जड़ें प्राचीन काल में पाई जाती है, जिसका अध्ययन 5 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करके किया जा सकता है। जैसे प्रथम प्राचीन भारत में, द्वितीय मध्य युग में, तृतीय ब्रिटिश काल में, चतुर्थ स्वतंत्रोत्तर काल में एवं पंचम 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद। प्राचीन भारत में भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक इतिहास में ग्रामों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक जीवन की आधारभूत इकाइयां थी। प्रत्येक ग्राम के सभी स्थानीय मामलों का संचालन एक खुली बैठक में किया जाता था। इस प्रकार का ग्रामीण शासन मौर्य काल, गुप्त काल तथा बाद के कालों में भी पाया जाता रहा है। मनु कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के लेखों में हम नगर के प्रशासन का भी वर्णन पाते हैं। भारतीय इतिहास के मध्य युग में मुस्लिम शासकों का प्रभाव था। मुसलमान शासकों ने एक अत्यधिक केंद्रित
शासन व्यवस्था की स्थापना कर डाली। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका मत था कि बिना केंद्रित शासन के इतने बड़े देश पर शासन करना अत्यधिक कठिन होगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने विकेंद्रीकरण को स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस काल में स्थानीय स्वशासन का विकास नगण्य रहा। यद्यपि इस काल में पूर्व की स्थानीय संस्थाएं कार्य करती रही, परंतु इन संस्थाओं की स्थिति बहुत कमजोर रही। अर्थात मध्य युग में स्थानीय शासन की संस्थाएं प्राचीन युग की संस्थाओं के समान थी, फिर भी उनका महत्व कम हो गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन। ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का विकास प्राचीन समय में हुआ, लेकिन जिस रूप में वह आज है वह ब्रिटिश प्रभाव का परिणाम है। 1688 में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की स्थापना का पहला कदम उठाया गया, जब जेम्स द्वितीय द्वारा दिए गए चार्टर से कलकत्ते में नगर निगम की स्थापना की गई। इसमें मेयर, एल्डरमैन तथा वर्कसेज होते थे, जो ब्रिटिश तथा भारतीय दोनों ही समुदायों से आते थे। नगर निगम के पास सीमित अधिकार थे। यह सब होते हुए भी नगर निगम कार्य न कर सका क्योंकि इसकी आय के स्रोत अत्यधिक सीमित थे। अगला कदम 1726 में लिया गया, जब कलकत्ता और बम्बई में मेयर के न्यायालयों की स्थापना की गई, परंतु इनके पास स्थानीय कार्यों जैसे सफाई, जन स्वास्थ्य तथा मार्गों की मरम्मत की अपेक्षा न्यायिक कार्य अधिक थे। अतः मेयर न्यायालय प्रभावी ढंग से कार्य न कर सके। एक और विस्तार है 1840-43 में, जब कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीन प्रेसिडेंसी नगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। यद्यपि इनमें निर्वाचन को अपनाया गया, तथापि यह प्रयोग भी बहुत दिन तक न चल सका। इसके बाद 1856 में तीन वेतनभोगी नगर पालिका आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु इसमें भी कोई लाभ नहीं हुआ। अतः नगर निगमों को पुनर्जीवित कर दिया गया और उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए गए। ऐसा कलकत्ता में 1863 में, बम्बई में 1865 में तथा मद्रास में 1867 में किया गया। इसी के साथ प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर भी परिवर्तन हो रहे थे। प्रारंभ में ये परिवर्तन बंगाल तक सीमित थे, जिसके लिए 1842 में नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शहर के दो इकाई अर्थात शहर के दो तिहाई लोग एक नगर समिति की स्थापना के लिए प्रार्थना कर सकते थे, परंतु इस स्थापना के परिणाम स्वरूप गृह तथा भू संपत्ति पर कर आरोपण हो सकता था। चूंकि लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के कर लगाने के विरुद्ध थे, अतः यह अधिनियम केवल एक नगर के अलावा किसी अन्य नगर में लागू नहीं किया जा सका। इसके पश्चात 1850 में एक और अधिनियम पारित किया गया, जिसका विस्तार पूरे ब्रिटिश भारत में था। इस अधिनियम ने सरकार को यह सत्ता प्रदान की कि यदि शहर के दो तिहाई लोग प्रार्थना करें तो यह मैजिस्ट्रेट की तथा जितना आवश्यक समझे शहर के निवासियों में से आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती थी, जिन्हें नागरिक सेवाएं प्रदान करने के विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए। परंतु यह प्रयास भी असफल हो गया क्योंकि पूर्व की भांति लोग अपने ऊपर कर लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। उपरोक्त से यह स्पष्ट हो गया कि शहर स्वेच्छा से नगर समितियां बनाने के पक्ष में न थे। अतः 1863 के पश्चात कई कानून पास किए गए, जिनके द्वारा प्रांतीय सरकारों को नगर पालिकाओं की स्थापना करने का अधिकार प्रदान
कर दिया गया। इसके पश्चात 1870 में लॉर्ड मेयो का प्रसिद्ध प्रस्ताव आया, जिसका ध्येय स्वशासन के विकास का अवसर नगरपालिका संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना तथा प्रशासनिक मामलों में पूर्व की अपेक्षा भारतीयों तथा यूरोपियों को अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करना था। यद्यपि इसके परिणाम स्वरूप अनेक नगरपालिकाओं की स्थापना हुई, इनमें अधिकांश मनोनीत सदस्य थे तथा ब्रिटिश शासकों ने यह ध्यान रखा कि केवल ऐसे ही लोग मनोनीत किए जाएं जो उनका अनुसरण करते हों। 1882 में लॉर्ड मेयो का स्थान लॉर्ड रिपन ने ले लिया। लॉर्ड रिपन उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उनके प्रस्ताव ने ग्रामीण और नगर मामलों के प्रशासन के लिए स्थानीय निकायों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। इसने पूरे देश में बोर्डों की स्थापना की, संस्तुति की, जो दो स्तरों में विभाजित होंगे, जिला बोर्ड तथा उपखंड अथवा तालुक बोर्ड। इन बोर्डों में दो तिहाई सदस्य निर्वाचित और एक तिहाई मनोनीत होने थे। अंत में इन स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार दिया गया था, जिनकी पूर्ति सहायक अनुदान द्वारा की जानी थी। इसके कारण रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है तथा अनेक प्रांतों में रिपन के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कानून पारित किए गए। परंतु तब भी अनेक प्रांतों ने रिपन के उदारवादी दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, अतः उसके प्रस्ताव का उद्देश्य असफल हो गया। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के पश्चात 1909 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन को स्थानीय शासन के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता था। इसने प्रत्येक गांव में पंचायती राज की स्थापना करने की संस्तुति की तथा कुछ अधिक अधिकारों के साथ नगरपालिकाओं को बनाए रखने का प्रस्ताव किया। इसके अनुसरण कर इन संस्थाओं के अधिकांश सदस्य निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था थी। अंत में उन्हें कर लगाने के लिए और अधिक विषय दिए जाने थे। इस प्रतिवेदन के परिणाम स्वरूप कुछ प्रगति हुई, क्योंकि अनेक उन राज्यों में स्थानीय निकाय स्थापित कर दिए गए जहां वे नहीं थे। परंतु शासकीय अरुचि तथा 1914 में प्रारंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह जोश जल्दी ठंडा पड़ गया। भारत ने युद्ध प्रयत्नों में ब्रिटेन की सहायता की। इस कारण तथा राष्ट्रवादी आंदोलन विस्तार के फलस्वरूप ब्रिटिश शासकों की ऐसे कदम उठाने पड़े जिससे प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता में वृद्धि हो तथा धीरे धीरे स्वशासन का विकास हो सके। अतः 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद ग्रामीण स्थानीय शासन को कुछ प्रोत्साहन मिला। 1922 तथा 1935 के मध्य अनेक राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। नगर क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे विशिष्ट व्यक्ति नगर पालिका परिषदों में निर्वाचित हो गए। 1937 में विभिन्न प्रांतों में जनता पर आधारित मंत्रिमंडलों ने पद ग्रहण कर लिया। इन सब ने स्थानीय स्वशासन को अतिरिक्त उद्दीपन प्रदान किया, परंतु शीघ्र ही इन मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इस घटना तथा द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत में स्वशासन का विस्तार पर रोक लगा दी। आगे हम लोग देखेंगे स्वतंत्रोत्तर काल में स्थानीय स्वशासन का विकास। स्वतंत्रता के बाद स्वशासन की ओर पुनः ध्यान गया। 1948 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की अध्यक्षता में पूरे भारत में स्थानीय शासन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसी भी लोकतंत्र की सही व्यवस्था का आधार स्थानीय स्वशासन है और उसे होना ही चाहिए। हम लोग संभवतः शिखर पर तथा नीचे उतना नहीं लोकतंत्र के बारे में सोचने की आदत बना चुके हैं। शिखर पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप नीचे इसकी आधारशिला न बना लें। इसके साथ ही भारतीय संविधान ने जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राज्यों को पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया, परंतु राज्यों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि
क्योंकि संविधान का यह प्रावधान बाध्यकारी नहीं था। यह तो 1957 की बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन था जिसने वास्तव में भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास किया। नगर स्थानीय शासन के क्षेत्र में परिवर्तन उतने विस्तृत नहीं थे, परंतु समय के साथ नगर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की नगर संस्थाओं की स्थापना हो गई, जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर क्षेत्र समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियां। हाल के दिनों में हुए परिवर्तन यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन के लिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो जोश आया था वह समय के साथ साथ समाप्त हो गया। स्थिति यह आ गई कि 7वें और 8वें दशक में स्थानीय शासन देश में मृत प्राय हो गया। इसके कुछ कारण थे, राज्य स्थानीय निकायों के निर्धारित समय पर निर्वाचन नहीं करा रहे थे। जहां उनका निर्वाचन हो भी जाता था वहां अक्सर झूठे आधारों पर उन्हें अधिक्रमित अथवा विघटित कर दिया जाता था। स्थानीय निकायों के पास वित्तीय स्रोतों की कमी थी जिनके फलस्वरूप वे अपने दायित्वों को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। अक्सर इन संस्थाओं पर उन लोगों का दबदबा हो गया जो अपने क्षेत्र में अपनी आर्थिक अथवा सामाजिक परिस्थिति के कारण प्रभावशाली थे तथा इन सब के कारण स्थानीय शासन में सामान्य जन की रुचि समाप्त हो गई। इन विश्लेषणों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में स्थानीय शासन को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने पहल की और 1992 में संविधान में दो संशोधन किए, 73वां तथा 74वां संशोधन। भारत में ग्रामीण तथा नगर दोनों स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की वर्तमान व्यवस्था इन्हीं दो संशोधनों पर आधारित हैं और वर्तमान समय स्थानीय स्वशासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक बेहतर उदाहरण के रूप में काम कर रही है। धन्यवाद।